हम चाहते हैं आप एक बोले रिस्पेक्टेड डीआईजी जम्मू कश्मीर, माननीय दिलबाग सिंह, हमारे आईजी जम्मू मुकेश सिंह जी, ईशान जो है वो कश्मीर पहुंच जाता है। इसके साथ साथ सर जो कनेक्टिविटी का था, तो हमारी रोड्स थी यहाँ पे जो कश्मीर के साथ कनेक्ट कर रही थी, ये हम लोरन की आवाम आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर इस इलाके की थोड़ी सी ओरिएंटेशन में दे दूं, ये लोरन का जो पुलिस स्टेशन है हमारी मुगल रोड से ज़्यादा की जो यूजफुल रोड रहेगी, क्योंकि ये ऑल वेदर और ऑल सीजन रोड रहेगी। इसमें मेरी भी आपसे ये गुजारिश है कि ऑलरेडी ये मैटर जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, इसमें बीआरओ के आगे दोबारा वो वाकई सरकार के लिए जो है वो सराहनीय कदम है और हम उनका खैर मकदम कर दिया। कुछ भी है, मंडी से यहाँ पहुँचने में कम से कम एक घंटा लग जाता है, लेकिन उस एक घंटे में यहाँ पे जो मकान है जो पिछले दिनों में भी जले हैं वो एक घंटा में जल के राख हो जाते हैं। लेकिन अगर वो फायर सर्विसेज की बसेज यहाँ पे रहेंगी, कि एक एम्बुलेंस एक फायर सर्विसेज की जो बस है अगर वो 24 घंटे यहाँ पे खड़ी रहेगी, जब भी हमारे इश्यूज होते हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं और आप उन पे हल भी करते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ पे जो मेन इश्यूज थे वो ये हैं कि हमारा लोरन ब्लॉक जो है ये बहुत दूर का ब्लॉक, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही सॉलिड इंस्टीट्यूशन होगा जो ग्राउंड लेवल मगर हम लोग अपनी भर्ती में जब भी एसपीओ का जब नागरिकता रहता है कोशिश जरूर करते हैं कि गांव देहातों को बचाते हैं कि किन किन एरिया को रिप्रेजेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कहां कहां पर कम लोग जो हैं वो भर्ती में आए हैं, उस सूरत में सरकार लोग पुलिस की जो जहाँ पर तैनाती है उसको अच्छी रहने की अच्छा काम करने की सुविधा हो, उस नज़रिए से यहाँ पर दो नई बिल्डिंग तामीर हुई है। इसमें एक पुलिस स्टेशन नया बना है जो आपने अभी देखा है और एक रहने के लिए नए क्वार्टर्स बने हैं पुलिस के लिए, इन दोनों को आज इनॉग्रेट किया गया है और जवानों के लिए ये अच्छी सुविधा ऐड हुई है, मैं इसके लिए उनको मुबारक देता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ के हमारे जो लोकल नुमाइंदगान हैं, चाहे वो पंचायत से हों, बीडीसी से हों, डीडीसी से हों, उनसे मुलाकात हुई, इलाके के हालात के बारे में उनके साथ चर्चा हुई, इलाके की ज़रूरतों के बारे में उनके साथ चर्चा हुई, ताकि कोई यहाँ का इशू हायर अथॉरिटीज़ की नोटिस में लाने पहुँचाने की बात हो तो उसको वहाँ तक लिया जा सके। मैं समझता हूँ कि लोहरन का इलाका ओवरऑल बहुत अच्छा इलाका है, मिल्टनसी के दौर में भी जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इलाके को संभाल के रखा है और दहशतगर्दी को किसी भी तरह इस इलाके के अंदर पांव पसारने का मौका नहीं दिया है। ऐसा ही आज भी चर्चा हुआ कि किसी वो जो पाकिस्तान के एजेंसी जो चाहती हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर मिल्टनसी दहशतगर्दी को फिर से ज़िंदा किया जाए, कोई नए टट्टू पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनका निपटारा टाइम टू टाइम हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि अपने इलाके को हिफाजत में रखना है, उस तरह की कोई साजिश यहाँ पर कामयाब नहीं होने देनी है। छोटे मोटे तरक्याती कामों का और बाकी ज़रूरतों का चर्चा हुआ जिसको कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुँचाया जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर के हालात को कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे और होने की उम्मीद रखते हैं जल्द ही।
इस वक्त अमन अमान का माहौल है पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर। अगर आप देखें तो किसी तरह का आवाम को आज की तारीख में हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, इसको हर तरीके से शोर किया गया है। किसी के साथ ज़्यादती किस तरह की फोर्सेस या पुलिस की तरफ से ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। किसी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई और दूसरा आदमी खलल ना डाले, परेशानी पैदा ना करे, उसको इंश्योर किया जा रहा है। जहाँ तक के जो हड़तालों का, बंद कॉल्स का सिलसिला, पत्थरबाजी का सिलसिला, स्कूलों को बंद करने का, कॉलेजों को बंद करने का सिलसिला पीछे रह चुका है। आज नौजवान बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, करियर अपना बना रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, और इसी तरीके से लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। जब का इलाका जो है पार हमारे पड़ोसी के साथ अपनी सरहद शेयर करता है, और उसके चलते जो सरहद के साथ इनकी जो नापाक कार्रवाइयाँ रहती हैं उनको कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, इन्फिल्ट्रेशन कामयाब भी होती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ, लंबा चौड़े ऑपरेशन काफ़ी लंबा अरसा चलते रहे रजौरी और पुंछ के खिता में। इस साल भी ऐसी कोशिशें हुई, इस बार भी कामयाब ऑपरेशन इस एरिया के अंदर हुए। मैं समझता हूँ कि साजिश पार से है कि जहाँ पर कुछ दहशतगर्दी के जो वो हैं वो उसको दोबारा से कुछ लोगों को इस तरफ धकेला जाए, या फिर पार से पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इस तरफ भेजा जाए, कुछ ऐसे एलिमेंट आए उनको ख़त्म किया गया है। अभी भी ऐसी कोशिशें बीच बीच में होती हैं, उनको नाकाम किया जा रहा है। पंचायत इलेक्शन हम सोच रहे हैं, किस तरह की चैलेंज देंगे पुलिस के? देखिए, हर इलेक्शन जो पहले हुए पास्ट में, पिछले 4-5 साल में बड़े अमन अमान के साथ हुए हैं, आगे आने वाले इलेक्शन भी सब अच्छे से होंगे।